नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है और ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के अंदर एक बड़े इलाके में बाढ़ की और उससे निपटने के इंतजाम और उससे प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की रहती है। और ऐसे में इसी को लेकर के क्या तैयारियां हैं, आज हम लोग इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, बिल्कुल डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, आपसे मेरा सवाल यही है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं जैसे ही मानसून की दस्तक होती है उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के एक बड़े इलाके में हम लोग देखते हैं, वो होती है नदियों का जलस्तर बढ़ना और उससे लोगों का प्रभावित होना। क्या तैयारियां इस बार आप लोगों की तरफ से की गई हैं और किस रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं। आयुष जी, 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का बाढ़ और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश के बाढ़, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बाढ़ को फोकस करके काम किया है उसका परिणाम ये रहा कि जहां 2014 और 15 में बाढ़ से 15,41,773 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई थी, वहीं आज घट करके वो पिछले साल 12,025 हेक्टेयर हो गई थी और इस साल जो 20 और 21 का अगर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल देखेंगे तो आपको 6,886 हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई। इस तरीके से बहुत तेजी के साथ घटा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो बाढ़ का पैसा पहले अप्रैल और मई महीने में रिलीज होता था उस पैसे को उन्होंने जनवरी माह में रिलीज किया, जिससे हम समय पर बाढ़ के काम को कर सकें। उसका परिणाम यह है कि आज 242 परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ की थी और जो 42 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें 26 जिले हमारे अति संवेदनशील हैं और 17-18 जिले हमारे संवेदनशील जिले आते हैं। और इस तरीके से अगर देखिए तो हमारे मुरादाबाद से स्टार्ट करके मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बारामंकी, अयोध्या, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, ये सब पूरा का पूरा एरिया बाढ़ से बहुत प्रभावित होता था। बिल्कुल, लेकिन इनकी सबकी इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई, ड्रेजिंग का काम हम लोगों ने शुरू किया, कोरोना महामारी के बावजूद भी सभी कामों को हम लोगों ने समय से पूरा किया है और मानसून समय से पहले आ गया है। परसों तक हमारे गंडक में नेपाल से जो पानी आता है वो 4.5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज था, जो कि पिछले 10-15 सालों में कभी भी जून महीने में 4.5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज नहीं हुआ, उसके बावजूद भी सब कुछ सुरक्षित है। शारदा में पानी बढ़ गया है, राप्ती में पानी बढ़ गया है, गंगा में भी उत्तराखंड से पानी तेजी के साथ छोड़ा गया है। जी, जी। जो पिछले साल गंगा में जून महीने में मात्र 1.5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज था वो कल तक 3 लाख के आगे क्रॉस कर गया है डिस्चार्ज। लेकिन इन सबके बावजूद बाढ़ बचाव के कार्य को बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा बैठक किया है, सभी विभागों को जोड़ करके उसमें हमारे NDRF, SDRF, PFE, राहत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंटों को जोड़ करके जिनके जिम्मे जो काम है उसको सबको निर्देशित किया है। 42 जिले के जिलाधिकारियों को भी हम लोगों ने अलर्ट किया है। पहली बार बाढ़ के कामों में हम लोगों ने CCTV कैमरा लगाया है और CCTV कैमरे के माध्यम से हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी बंधे पर हम लोगों ने जनरेटर का इंतजाम किया है, बाढ़ की चौकियां बनाई है और बंधे पर ही अपने एक्सियन को रहने के लिए, एई को रहने के लिए, जेई के लिए रहने के लिए निर्देशित किया है। कहीं पर अगर कोई समस्या आती है तो फ्लड फाइटिंग के माध्यम से हम लोग उसको रोक पाएंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में, पिछले बार भी जब आसाम में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सब जगह बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे थे, मेरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित था, कोई जनहानि, धनहानि, पशुहानि नहीं हुई थी। अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा काम बाढ़ बचाव नियंत्रण के दृष्टि से हम लोगों ने किया है और सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि बरसात कितनी भी हो जनता जनार्दन को कोई कष्ट ना होने पाए, इसके लिए हम लोग तैयार हैं।
हमने भी हर बाढ़ के जिले का दौरा किया, निरीक्षण किया। अभी तक हम 18 जिले में जा चुके, बाढ़ के कामों का निरीक्षण किए हैं और सब कामों को देखने के बाद हम भी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जनता ने योगी जी को धन्यवाद किया है, जनप्रतिनिधियों ने धन्यवाद किया, हमारे सांसद और विधायकों ने काम को देखा है, तो समय से पहले हम लोगों ने अपने काम को पूरा किया, मानसून आने से पहले काम को पूरा किया है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि किसी प्रकार की कोई समस्या बाढ़ के कारण से नहीं होगी। अगर भगवान ने अगर ऐसा कोई कुछ बहुत ज़्यादा बरसात होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। बिल्कुल डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, देखिए आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि एक तो बहुत पुरानी समस्या है, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लान हो जिससे एकदम ही ये समस्या रातों रात दूर हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब प्रिवेंटिव काम होना और इसको पूरी तरीके से हम ये कहें कि अब हम इसको रोक देंगे या फिर बहुत हद तक इसकी संभावना कम हो जाएगी, इस विषय में आप लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि फौरी तौर पर तो इंतजाम है कि चलिए अब बाढ़ नहीं आएगी या हमने ये इंतजाम किए, लेकिन ये समस्या हर साल क्यों ऐसी बनती है, इसको लेकर के क्या कोई फुल प्रूफ प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं या पुख्ता तौर पर आप लोग ये बता सकते हैं कि कैसे इससे निजात आप लोग दिलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। महन जी, देख बड़ी बात है कि जब बाढ़ आती है नदियां अपने धारा को बदलती हैं, जहां आज से 10 साल पहले 5 साल पहले नदी बहती थी उस धारा को छोड़ करके दूसरे दिशा में नदी चली जाती हैं, और बहुत खतरनाक नदी है घाघरा नदी, गंडक नदी, राप्ती, रोहिन, ये सब बहुत अपने धारा को बदलती रहती हैं। लेकिन इसी धारा को हम लोगों ने संशोधित करके डाइवर्जन के माध्यम से, ड्रेजिंग के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में हमने ड्रेजिंग का काम किया और जो धारा दूसरी तरफ से जा रही थी उस धारा को मोड़ करके हम लोगों ने दूसरी तरफ किया, जिसके कारण से बाढ़ बचाव में बहुत अच्छा काम हुआ। जो सिल्ट के कारण से पूरी तरीके से नदियां पट सी गई थी, उनका सिल्ट निकाल करके हम लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और रास्ता बना करके धारा को परिवर्तित करके बहुत बड़ी सुविधा और उससे बाढ़ बचाव में बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया है और उसका लाभ भी लोगों को बहुत बड़ा प्राप्त हुआ। आपने कहा कि कैसे आप कह सकते हैं बाढ़ बचाव में हम लोग काम करते हैं, अभी जो काम कर रहे हैं पक्का काम कर रहे हैं और इतना मजबूत काम कर रहे हैं कि बहाव कितना भी तेज होगा बंधे को तोड़ नहीं पाएगा, ऐसा पुख्ता इंतजाम भी हम लोग बंधे की दृष्टि से कर रहे हैं। बंधे पर पक्की फड़क भी बनाने जा रहे हैं, बंधे के किनारे बोल्डर की पिचिंग भी कर रहे हैं, लॉन्चिंग एपरन भी डाल रहे हैं, इस पर भी बना रहे हैं, और बड़ा काम हम लोगों ने किया कि आज़ादी से लेकर के अभी तक जो नाले गांव-गांव में बने थे उनकी सफाई कभी नहीं हुई थी, ऐसे 10,500 नालों की सफाई करके हम लोगों ने 60,000 किलोमीटर नालों की सफाई किया है, जिससे अब गाँव में भी जल भराव ना होने पाए, तो गांव का भी जलभराव को रोकेंगे और नदियों के जलभराव के कारण से बंधे पर किसी प्रकार की कोई संकट ना आए उसको भी रोकने का काम करेंगे। तो हर तरीके से हम लोग पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं और फ्लड फ्लाइटिंग के माध्यम से जो काम करना है उसकी भी सामग्री हम लोगों ने एकत्रित कर लिया है। हमारे 3-4 ऐसे बंधे हैं जिनका नाम आपने भी अगर उत्तर प्रदेश में सुना हो, एक एल्गिन चरसरी बंधा है जो गोंडा के बॉर्डर पर पड़ता है, गोडा और बहराइच के बॉर्डर पर, दूसरा एक बंधा है खड़गपुर शाहपुर जिसको हम KSS बंधा कहते हैं, जो हमारा संत कबीर नगर गोरखपुर के बॉर्डर पे पड़ता है, और तीसरा आप अगर कुशीनगर का नाम सुने होंगे अमवा तटबंध AP तटबंध बंधा होता है जो हर बार सुनाई पड़ता है आपको, लेकिन पिछले 3 सालों से इन किसी बंधे पर कोई समस्या नहीं आने पाई है। नदियों में जिस तरीके का नेपाल के पानी के कारण से, उत्तराखंड के पानी के कारण से, पहाड़ से ऊपर से तेजी से पानी आता है उसके कारण से बहुत रफ्तार उसकी तेज होती है, डिस्चार्ज तेज होता है और अचानक पानी आता है और एकाएक देखते देखते वो 4 लाख 5 लाख क्यूसिक उसका डिस्चार्ज हो जाता है, 5.5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ उस पानी से भी जनता जनार्दन के बचाव के लिए काम किया है। बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा एरिया है जो बाढ़ से प्रभावित होता है, लेकिन उसको कम करते 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 हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बोट की व्यवस्था और जो जानवर कहीं बिच्छू और कीड़े मकोड़े काटते हैं उसके इंजेक्शन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था और चौकियों की व्यवस्था, राहत पैकेट की व्यवस्था, सब तरीके की जानवरों के चारे की व्यवस्था, NDRF और SDRF के ट्रेंड सिपाहियों की व्यवस्था, सब तरीके की व्यवस्था उसके बावजूद भी हम लोगों ने करके रखा है।
भगवान न करे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़े, लेकिन अगर कहीं ऐसी कोई समस्या आती है तो हम लोग उसका समाधान करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को बचाएंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, एक चीज़ इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, चूँकि आपने भी कहा कि आपने कई जनपदों का दौरा भी किया, और हम लोग भी अक्सर जब खबरें पढ़ते हैं तो उसमें खबरों के अंदर ये खबरें भी होती हैं कि अगर कहीं कोई प्रभावित एरिया है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको वो जो रिलीफ जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे वो पहुँचती नहीं है। एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर आते आते जो दिक्कतें होनी शुरू होती हैं उसको आप लोग इंश्योर कैसे कर रहे हैं कि वो सही मदद पहुँच जाए अगर कोई प्रभावित भी हुआ है, इस विषय को अगर आप और बता पाएं। प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है, हर जिले में कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और पिछली बार की अगर आप अपने किसी भी मीडिया के मित्र को भेज करके सर्वे कराएंगे तो बहुत प्रशंसा मिलेगी कि एक एक आदमी को हम लोगों ने राहत सामग्री पहुंचाया था, कहीं पर कोई भी असुविधा नहीं होने पाई। और हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से अभी से अलर्ट कर दिए हैं, किसी भी जगह पर गांव में अगर कोई घर डूबता है, किसी को कोई समस्या होती तो उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरे पैकेट की व्यवस्था, उसके लिए तेल की व्यवस्था, मतलब जितनी तरीके की व्यवस्था होती हर तरीके का पैकेट हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसको सारी सुविधा हम लोग देंगे, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बहुत सम्मानित चैनल है, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि कोई आदमी छूटेगा नहीं, अंतिम व्यक्ति तक जिसको जरूरत है उसके तक हम लोग राहत सामग्री को पहुंचाएंगे और जो भी सुविधा उसको जरूरत होगी वो सुविधा भी प्रदान करेंगे। डॉक्टर महेन जी, एक सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ ये भी है, चूंकि आज हम लोग जिक्र बाढ़ का भी कर रहे हैं तो कुछ नदियों के अंदर पानी इतना ज्यादा है कि उसको आप लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है, उसको प्रिवेंट कैसे करें इसके लिए इंतजाम करने पड़ रहे हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो हम लोग देखते हैं कि सूख जाती हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां पानी की बड़ी क्राइसिस होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही ये योजना की शुरुआत हुई थी कि नदियों को आपस में अगर जोड़ा जाए तो पानी का सही इस्तेमाल हो सकता है, क्या इस दिशा में आगे बढ़ते हुए या कुछ प्रयास आगे इस दिशा में हो रहे हैं, कैसे इसको मैनेज और बेहतर तरीके से किया जा सके? महेंद्र जी, अगर इस विषय को आप बता पाएं। देखिए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था नदियों को जोड़ने का, वो भारत के लिए वरदान था और निश्चित रूप से उनकी जो सोच थी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उस सपने को साकार करते हुए अभी अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने केन बेतवा परियोजना जो 2005 में जिसकी नींव रखी गई थी उसको हम लोगों ने पूरा किया। और केन बेतवा परियोजना एक बड़ी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया को बहुत बड़ा बेनिफिट देगी, उसको हम लोगों ने अभी अभी समझौता हो गया है और उस पर काम हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो केन और बेतवा को लिंक करने के बाद बुंदेलखंड के पूरे एरिया को सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा जहाँ पानी का सबसे बड़ा अभाव है। तो मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करता हूं, योगी जी का अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं अपने भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिनके प्रयासों के कारण से आज केन बेतवा परियोजना को हम लोग नदियों की जोड़ने के परियोजना का शुभारंभ कर पाए हैं। वो हमारी परियोजना शुरू हो गई है, उस पर तेजी के साथ काम हो रहा है, बहुत जल्दी आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका शुरुआत किया जाएगा। तो जो नदियों की जोड़ने की परियोजना है उसका शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और ये हमारे बुंदेलखंड के दोनों, मध्य प्रदेश के लिए भी उत्तर प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध होगा। हर खेत को पानी भी मिलेगा और हर घर को पीने के लिए भी पानी मिलेगा, दोनों तरीके की व्यवस्था होगी और हम जो पानी हमारा बह जाता था उसको हम रोक करके उसको भी हम व्यवस्थित कर पाएंगे। चलिए महेंद्र जी, अब आपने हर घर में पीने के पानी का जिक्र कर ही दिया है तो हर घर नल योजना के बारे में भी अगर आप कुछ बता पाएं, ये कहाँ तक पहुंची है और इसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इस योजना के विषय में भी अगर आप कुछ बता पाएं तो। बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि कभी बुंदेलखंड में चर्चा होती थी कि ट्रेन से पानी लाया जा रहा है, ट्रेन से पानी की चर्चा होती थी। मेरा बुंदेलखंड, मेरा सोनभद्र, मिर्जापुर, बिंद क्षेत्र, यहाँ पर सब पे सरफेस वाटर के माध्यम से हर घर नल जल योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। कहीं कहीं तो 50% काम हो गया है, कहीं 35% काम हो गया है और हम सब लोग बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से जल्दी ही सभी घरों में नल से जल पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया हम कवर करने जा रहे हैं जिसका काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। मैं आपको भी आमंत्रित करूँगा, आप भी आइए और देखिए कि हमारे ललितपुर में, झांसी में, महोबा में, हमीरपुर में, बांदा में, चित्रकूट में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में कितना तेजी के साथ काम हो रहा है
और बाकी जो उत्तर प्रदेश है जेई एईएस प्रभावित है, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित है, वहाँ भी प्राथमिकता के आधार पर आप सबके उसमें अभी इसी महीने हम एक बड़ी योजना परियोजना का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 गांवों में एक साथ काम शुरू करेंगे और तेजी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2024 तक हर घर को नल से जल दिया जाए, उसमें उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। और उसके साथ साथ अटल भूजल योजना में भी हम लोग बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, वाटर रिचार्जिंग में भी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। उसमें भी हम लोगों ने जो हमारा 151 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए तो उसमें से बहुत सारे ब्लॉकों को हम लोगों ने सेफ जोन में लाए हैं। आगे कैच द रेन में भी तेजी से काम कर रहे हैं, अटल भूजल योजना में काम कर रहे हैं, जल जीवन मिशन में भी काम कर रहे हैं, यानी हर तरीके से उत्तर प्रदेश युद्ध स्तर पर इस पर काम कर रहा है। मैन जी, एक बार फिर से मैं बाढ़ वाले विषय पर ही आना चाहता हूं, क्योंकि नेपाल से पानी हम लोगों ने अमूमन ये भी देखा है कि एक तो मानसून का सीजन इस समय तो नदी नाले उफान पर होते हैं, लेकिन मानसून के अलावा भी नेपाल के तरफ से पानी अक्सर ऐसा होता है जब छोड़ा जाता है, और कुछ जिले ऐसे होते हैं जो कि नेपाल की सीमा से लगते हैं, वहां पर ये बहुत कहर बरपाता है। क्या उसको लेकर के कोई प्लानिंग आप लोगों की तरफ से की गई है कि वो जो उस दौर के अंदर भी बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं उससे वहां के जो रहवासी उनको निजात मिल सके? महन जी, देखिए, नेपाल में भी जो कुछ काम बाढ़ के होते हैं वो भारत सरकार ही कराती है, हम लोग ही उस काम को भी कराते हैं, बहुत सारा काम हम लोगों ने कराया है, और नेपाल से जो पानी आता है उसको भी व्यवस्थित करने के दृष्टि से जगह जगह पर हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और बाढ़ बचाव का जब हम काम करते हैं तो बाढ़ बचाव के काम पूरे 12 महीने के लिए होता है, केवल बाढ़ के समय का नहीं होता, इसीलिए पक्के स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, अगर अचानक कहीं से कोई पानी आ जाता है तो हम अपनी जनता को बचा सकते हैं, कोई कटान नहीं होता, कोई बंधा नहीं टूटता। इसीलिए पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि आपको कोई खबर नहीं मिली होगी कि किसी जगह पर कोई ऐसे बंधा टूटा हो जिसके कारण से कोई जनहानि धनहानि पशुहानि हुई हो, तो हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ से जो पानी आता है उसको व्यवस्थित करके अपने बैराजेज में रोकना है, नहरों में उसको डाइवर्ट करना है, अलग अलग नहरों में लेकर के जाना है, फिर नदियों में उसको ले जा करके गिराना है, इन सब दृष्टियों से हम लोग उस पर भी काम किए हैं। तो अगर कहीं से ऐसा कोई अचानक पानी आता है तो उसके डाइवर्जन की भी व्यवस्था रहती है। डॉक्टर महन जी, बिल्कुल अंतिम सवाल मैं आपसे थोड़ा, क्योंकि जब आपने अपने विभाग को संभाला, एक तो उस समय चुनौती सबसे बड़ी आपके सामने क्या थी और प्राथमिकता आपके जहन में क्या थी, किस प्राथमिकता के साथ आपने काम को शुरू किया और स्टेप बाय स्टेप आप इसमें कैसे आगे बढ़े, थोड़ा इस विषय को भी बताएं। देखिए, बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे विभाग को मिला अगस्त महीने में मैं कैबिनेट मंत्री बना और तुरंत बाढ़ आ गई, तो सबसे पहला बाढ़ के काम को देखना और बाढ़ की व्यवस्था को व्यवस्थित करना। अब तक के बाढ़ के कामों को जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझको बहुत दुख होता था, लेकिन आज कामों को देख करके आनंद की अनुभूति हो रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार बाढ़ के कामों का लोकार्पण किया। पहले लोग कहते थे कि बाढ़ का काम पानी में बह गया, लेकिन 170 परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, 146 परियोजनाओं का शिलान्यास किया उन्होंने, यानी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो बाढ़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उस काम को हमने युद्ध स्तर पर कराने का काम किया। और दूसरा बड़ी बात थी कि नहरें तो थी, लेकिन नहरों को टेल तक पानी पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। मैंने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। 367 विधायकों ने हमको बधाई पत्र लिखा है जी। सपा, बसपा, कांग्रेस, सभी दलों के लोगों ने हमको बधाई पत्र में लिखा है, और मैंने व्यवस्था किया कि जब तक सांसद और विधायक लिख करके नहीं देंगे तब तक भुगतान नहीं होगा। आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सारे जितने नहर हैं उनमें टेल तक पानी है और सब नहर पर बोर्ड लगा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कॉन्ट्रेक्टर कौन है, जेई कौन है, एई कौन है, जनता जनार्दन भी इसको देखे। दूसरी बड़ी बात थी नालों की सफाई। तीसरी बड़ी बात थी कि 1821 से लेकर के अब तक 200 सालों में, अंग्रेजों के जमाने से आज तक 75,000 पुल पुलिया बने थे, लेकिन उन पुल पुलियों को टूटने के बाद कभी मरम्मत नहीं हुआ, चिड़ोद्धार नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने लाइन कट गई। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो आप जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को सुन रहे थे, तमाम विषयों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।